तो इसमें लोग बात करने वाले आप किस तरह से जो कि आपका कवर लेटर होता है, जो कि रिज्यूमे कवर लेटर होता है, उसे आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, कौन सा मेथड है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आप यहाँ पर चेक करवाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर को यूज़ करते हुए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप चेक करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर कवर लेटर अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो जो कि आपका यहाँ पर कंपनी होता है वो आपके कवर लेटर को ही देख करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती है। इसके अलावा जो कि आपका सीवी होता है उसको भी आपको यहाँ पर बनवा लेना चाहिए। इसके अलावा जिस भी साइट पर आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उस साइट पर आपका प्रोफाइल भी अपडेट रहना चाहिए और आपको एक रिज्यूम भी बनवा लेना चाहिए या फिर बना लेना चाहिए। जी दोस्तों, तो जो कि आपका कवर लेटर होता है या फिर रिज्यूम होता है उसे किस तरह से बनाना है, चलिए हम लोग आपको बता दें करते हैं किस तरह से आप यहाँ पर रिज्यूमे कवर लेटर या फिर रिज्यूम बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कुछ इस तरह से इंडीड। जी दोस्तों, तो Indeed.com आपको यहां पर सर्च कर लेना होगा और यहां पर देख सकते हैं Indeed रिज्यूम कवर लेटर। जी हाँ दोस्तों, इतना टाइप करने के बाद, सर्च करने के बाद यहां पर जितने भी टाइप के टेम्पलेट्स और सैंपल रहेंगे वह आपके यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आपको किस तरह से लिखना है, जैसे कि नंबर वन पर आपको हेडर, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशंस है, इंट्रोडक्शंस है, इसके अलावा यहाँ पर यह सभी टाइप आपको पैराग्राफ में टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आपको बॉडी पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ, इसके अलावा लेटर एंड एंडिंग सिग्नेचर, कुछ इस तरह से यह सभी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यह सब हेडलाइन है, सिंपली यह सभी आपको अपने जो कि रिज्यूमे कवर लेटर उसमें आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, यानी कि डालना होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउज कवर लेटर सैम्पल कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट मैनेजर, और यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट पेबल, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी टाइप के आपको जो आप देखने के लिए मिलते हैं उन सभी का लिस्ट आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं बुक कीपर, और यहाँ पर ब्रांड मैनेजर, बायर, तो सिंपली आपको कैशियर्स और CEO चीफ, इसके अलावा सिविल इंजीनियर, तो कुछ इस तरह से यह सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। डाटा एंट्री, डाटा बेस एनालिसिस, और यहाँ पर डेंटल असिस्टेंट, तो सिंपली आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए इनमें से किसी भी टाइप के आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो सिंपली उसको आपको क्लिक करके चेक कर लेना होगा इसके अंदर यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर आपको हेडलाइन देखने के लिए मिलता है और किस तरह से इसमें लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए पेंटर का काम करते हैं तो इस कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पेंटर पर क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या आपको इंक्लूड करना है इसमें। तो यहाँ से आपको यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, और आपको रिटेलर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सोसाइटी सिक्योरिटी और सर्विस, सोशल वर्कर और टेक्निकल सपोर्ट, तो यह सभी टाइप के आपको यहाँ पर वेयर हाउस सुपरवाइज़र, तो सिंपली यह गाइडेंस है दोस्तों। आप बहुत ही आसानी से ये कुछ इस तरह से जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि मान लीजिए रिज्यूम सैंपल चाहिए तो रिज्यूम पर आपको क्लिक करना होगा, और रिज्यूम सैंपल जितने भी हैं उन सभी का लिस्ट आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रिज्यूम पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर रिज्यूम देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिज्यूम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। देख सकते हैं नाम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल हिस्ट्री, इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन स्किल्स और ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से यह डिज़ाइन आपको करना है। यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है जिस भी टाइप के लिए आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, इसके अलावा यहाँ पर फुल टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, इसके अलावा यहाँ पर हायरिंग इमिडिएटली जॉब। तो यहाँ पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से उसी टाइप के आप यहाँ पर रिज्यूम बना सकते हैं जिस टाइप से आप यहाँ पर चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जॉब अवेलेबल हैं जैसा कि देख सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से सैंपल देखना चाहते हैं तो सैंपल देखने के लिए सिंपली जो कि यहाँ पर रिज्यूमे कवर लेटर होता है, सिंपली आपको यहाँ पर Indeed.com से आपको यहाँ पर सर्च करना होगा Indeed.com और रिज्यूम। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन बिल्डर पर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे इजी एंड फ्री ऑनलाइन रिज्यूम बिल्डर, तो नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारा आपको स्टेप दिखाया जाएगा, बिल्ड, फाइंड एंड अप्लाई। तो सिंपली फीचर्स में आएंगे तो यहाँ पर सैंपल दिखाया जाएगा किस तरह से आपको बिल्ड करना है। स्टार्ट विथ टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद बहुत सारे टेम्पलेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं यह टेम्पलेट कुछ इस तरह से मॉडर्न है। इसके अलावा नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ से भी टेम्पलेट देखने के लिए मिलता है, और अदर्स में जाएंगे तो सिंपली आपको बहुत सारा टेम्पलेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं, मॉडर्न पर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी
यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस हो, तो उन सभी का लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता कुछ इस तरह से, यहाँ पर क्लीनर का, और इसके अलावा यहाँ पर सैंपल क्रिएटिव, इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिटिव मॉडर्न। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर मॉडर्न पर क्लिक करते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर एडिट करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं एडिट का बटन यहाँ पर मिल चुका है और इसको यूज करके हम लोग यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एडिट करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो जो कि यहाँ पर ब्लैक तरह से आपको सर्कल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना नाम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी खुल जाएगा दोस्तों। इसमें आप यहाँ पर अपना प्रोफेशनल समरी डाल सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली वह भी आप एडिट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका जॉब टाइटल होगा, इसके अलावा यहाँ पर आपका स्टार्टिंग डेट होगा, एंडिंग डेट होगा, कंपनी नेम, लोकेशन, और डिस्क्राइब कर सकते हैं जॉब के बारे में, और सिंपली वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। स्किल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पर स्किल है, स्किल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐड स्किल पर क्लिक करके। तो सिंपली कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जितने भी एजुकेशन है, एजुकेशन भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, स्कूल नेम, इसके अलावा यहाँ पर स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, डिग्री, इसके अलावा यहाँ पर फील्ड आप स्टडी, इसके अलावा लोकेशन। तो सिंपली कुछ इस तरह से आप ऐड करके और अपना रिज्यूम कुछ इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो यदि मान लीजिए आप ऐसा यहाँ पर रिज्यूमे बनाएंगे तो जितने भी यहाँ पर कंपनी होते हैं, जो भी आपका यहाँ पर रिज्यूम होता है उसे अट्रैक्टिव बनाना होगा, और अट्रैक्टिव बनाने के बाद सिंपली यहाँ से आपको डाउनलोड रिज्यूम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली जो कि आपका रिज्यूम होता है, जो भी आपने यहाँ पर बनाया, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ, तो अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया। तो यहाँ से आप जो भी रिज्यूम है उसे आप एडिट करके बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और आपका रिज्यूम बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों यहाँ से देखने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिंपल हैं। आपको यहाँ पर बनाने के लिए टेम्पलेट्स मॉडल आपको देखने के लिए मिलता है, तो इन टेम्पलेट्स को यूज करके आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब कोई भी आप यहाँ पर मालदीव, मलेशिया, फिर माल जे सिंगापुर, इसके अलावा यहाँ पर हांगकांग हो गया, तो जिस भी कंट्री में आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, तो सिंपली इसमें आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं इन कवर लेटर को यूज करते हुए। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।